दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेली गई वनडे और टी20 सीरीज में शानदार तरीके से जीत दर्ज करने के बाद अब भारत की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और जिम्बाब्वे आपस में 3 मैचों की बहुत ही शानदार वनडे सीरीज होने वाली है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरी की पूरी सीरीज रहने वाली है। और फाइनली यहाँ पर बीसीसीआई और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले फर्स्ट ओडीआई महामुकाबले के बारे में और जानेंगे कि भाई किस तारीख को, कितने बजे से, कौन कौन से टीवी चैनल्स पर, किस स्टेडियम में हमें यह महामुकाबला लाइव देखने को मिलने वाला है और क्या होने वाली इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 यानी इस महामुकाबले का पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले पहले ओडीआई महामुकाबले की सभी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे महामुकाबला हमें 18 अगस्त को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलेगा। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। टाइमिंग की हम यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:45 से इस सीरीज के तीनों ही वनडे महामुकाबलों की शुरुआत होने वाली है। लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स की हम यहां पर बात करते तो भारत में इस पूरी की पूरी सीरीज को सोनी टीवी टेलीकास्ट करने वाला है, जहां सोनी के जितने भी चैनल्स हैं, सोनी 101, सोनी 103, सोनी 6 सभी चैनल्स पर हमें लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से सोनी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप आईसीसी टीवी ऐप पर बिल्कुल फ्री में लाइव टेलीकास्टिंग इस सीरीज की देख पाएंगे। और यदि आप अपने टीवी में बिल्कुल फ्री में लाइव टेलीकास्टिंग देखना चाहते हैं तो डीडी स्पोर्ट्स भी यहां पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली तीनों मैचों की वनडे सीरीज को लाइव टेलीकास्ट करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय टीम के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि टीम इंडिया के स्क्वाड्स का ऐलान यहां पर काफी टाइम पहले हो चुका था। पूरी की पूरी टीम यहां पर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। शिखर धवन को यहां पर कप्तान बनाया गया, आपके ईशान किशन, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, हर्षदीप सिंह सभी युवा खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को यहां पर इस सीरीज में खेलने का चांस मिला है। और भाई जो 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया था, उस 15 सदस्यीय टीम में से भारत की काफी खतरनाक प्लेइंग 11 यहां पर बनकर इस सीरीज के लिए सामने आने वाली। चलिए फटाफट हम नजर डालते हैं इस फर्स्ट ओडीआई महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 पर। तो इस महामुकाबले में भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे कप्तान शिखर धवन के साथ शुभमन गिल, नंबर 3 पर हमें ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पर होंगे ईशान किशन, नंबर 5 पर हमें संजू सैमसन देखने को मिलेंगे, नंबर 6 पर होंगे दीपक हुड्डा, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर दीपक चहर, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर होने वाले हैं, नंबर 10 पर हमें कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे और नंबर 11 पर हमें मोहम्मद सिराज देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 काफी खतरनाक प्लेइंग 11 यहां पर तैयार हो चुकी है। लेकिन आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।